आज पूरे देश की नज़र दिल्ली पर है। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल जाने के कगार पे है। भारत के इतिहास में पहली बार है कि मुख्यमंत्री ठसक के साथ कह रहा है कि वो जेल जाएगा तो जेल के अंदर से सरकार चलाएगा। ये बात कैबिनेट की बैठक के बाद केजरीवाल के दो दो मंत्री अतिशी मार लेना, जो डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की जगह पे हैं, सिसोदिया जेल में हैं, और उनके दूसरे मंत्री सत्येंद्र जैन वो भी जेल में हैं, वो तिहाड़ मंत्री थे, उसके जगह पे सौरभ भारद्वाज। इन दोनों मंत्रियों ने, जिनके सीनियर्स जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, उनके जगह पे जो दो मंत्री बने हैं अतिशी और सौरभ, इन दोनों ने कैबिनेट मीटिंग के बाद सामने आए आकर के मीडिया से कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही हमारे नेता हैं, वही रहेंगे, तिहाड़ जेल भी जाएंगे तब भी वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। है ना कमाल की बात। ये वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, केजरी उसके चेहरे थे, लेकिन सबसे बड़े प्रतीक अन्ना हजारे थे। 2011 में जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, उसे अन्ना आंदोलन ही कहते हैं, अन्ना के नाम पर भीड़ जुटती थी, लोग दीवाने हो जाते थे अन्ना हजारे की। एक बुजुर्ग, एक सादगी पसंद व्यक्ति, लगभग 80 साल का एक बूढ़ा जो आर्मी में सिपाही था, ड्राइवर था, और उसके बाद वो एक संत की तरह जिंदगी जीने लगा, उसे एक प्रतीक बनाया, जैसे नेहरू ने गांधी को सामने रख करके। उस अन्ना ने अपना उत्तराधिकारी अरविंद केजरीवाल को बनाया, केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और अन्ना सीधे साइड हो गए, और ये कहा कि जब ये गड़बड़ करेंगे तो हम ये आवाज़ उठाएंगे। अन्ना फिर अपने गांव वापस लौट गए, लेकिन अन्ना हजारे ने अपने इस चेले के बारे में कभी कुछ नहीं कहा जिसे उन्होंने दिल्ली को सौंप दिया था। लोग दीवाने होते थे, मैं भी अन्ना लिखा हुआ टोपी लेकर के हजारों की संख्या में रामलीला मैदान पट जाया करता था। जिस अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को सामने रखा उस पर भी लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि वो आईआईटी इंजीनियर था, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर था जिसने नौकरी छोड़ करके राजनीति में प्रवेश किया था, और फिर अन्ना को आगे करके केजरी और अन्ना अपने दूसरे और साथियों के साथ भारत में भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल गया हो, वारंट उसे जारी किया जाता हो और वो जांच एजेंसी के पास पेश न हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब एक डेट पे कोई नेता पेश नहीं हुआ तो उसने यही तर्क दिए कि वो पॉलिटिकली कहीं बिजी है, उसे दूसरी तारीख दी जाए, फिर दूसरी तारीख दी गई, उस पर वो पेश हुआ। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सफ़ेद पोश नेता ये कहता हो कि हम जांच एजेंसी के सामने पेश ही नहीं होंगे, ईडी अपना समन वापस ले ले। लेकिन दो दिन बाद ही उसका नशा उतर जाता है और ये कहता है कि हमें गिरफ्तार करने की साजिश है। ये सब उसे तब पर लगता है जब उसके साथी मनीष सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द होती है और उसके दूसरे सहयोगी जिसे राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जाकर के राज्यसभा सभापति से माफ़ी मांगो पैर पकड़ के, वरना तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकती। है ना कमाल की बातें। ऐसा गिरोह देश को अन्ना हजारे ने दिया। आज उस अन्ना से उम्मीद तो कम से कम की जाती है कि वो एक प्रेस रिलीज जारी कर दे, वो अन्ना हजारे देश को कम से कम इतना बताए कि उसे दुख है कि केजरीवाल ये कर रहे हैं, कम से कम लोकल मीडिया को बुलाकर के अन्ना हजारे कहे कि हमें अपने अरविंद केजरीवाल के इस रवैये से बहुत दुख है। अन्ना की चुप्पी बताती है कि क्या अन्ना ने देश के साथ षड्यंत्र किया और देश को अरविंद केजरीवाल सौंपा। ना सिर्फ भ्रष्टाचार में केजरी का पूरा कैबिनेट जेल जा रहा है, केजरीवाल खुद भी जेल जाने के कगार पे हैं। जिस दिल्ली को उन्होंने पेरिस बनाने का सपना दिखाया था, जिस यमुना को उन्होंने टेम्स नदी बनाने का सपना दिखाया था, वो यमुना अब इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं बदली, गंगा में सफाई एक उदाहरण बनकर के सामने आया। इतनी लंबी गंगा अब वैसी मैली नहीं रही, लेकिन केजरी की दिल्ली में यमुना ऐसी हो चुकी है कि वहाँ
2 मिनट खड़े होकर छठ का अर्घ नहीं दिया जा सकता। केजरी ने 9 साल पहले वायदा किया था इस देश से कि 5 साल का हमें समय दीजिए, और वो बार बार समय मांगते रहे। ये चीजें बताती है कि जिस जो केजरी दिल्ली को अन्ना हजारे ने सौंपा, उस अन्ना हजारे को एक बार शर्म जरूर आनी चाहिए। अन्ना हजारे बड़े हो जाते यदि वो कहते कि मुझे दुख है कि केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। जांच एजेंसी जांच करे, तब तक केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्ना को ये कहने से कोई नहीं रोक सकता। जिस अन्ना ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की रामलीला मैदान से, उस अन्ना के चुप्पी चौंका रहा है इस देश को कि क्या अन्ना ने देश के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश की। ये चुप्पी इसलिए भी खतरनाक है कि दिल्ली में दम घोटू कंडीशन है, और अन्ना का चेला दिल्ली का शासक है, और दिल्ली की समस्या से निदान के बदले वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावों में व्यस्त है। वो बैठकें करता है कैबिनेट की, लेकिन पॉल्यूशन पर नहीं। इस पर यदि उसे जेल जा होता है तो फिर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा? निश्चित रूप से अन्ना हजारे, जिसे लोगों ने आइडियल माना, जिसके बात पे लोग दीवाने हो गए, अपने टोपियों पर जिन्होंने मैं भी अन्ना लिखा, उस अन्ना से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो सामने आएंगे, अपने चेले के करतूत के बारे में बताएंगे, कम से कम अपने चेले को इतनी तो सीख देंगे कि जांच एजेंसी देश की सबसे प्रभावशाली जांच एजेंसी तुम्हें वारंट कर रही है, जब तक तुम निर्दोष नहीं साबित हो जाते तुम्हें इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। लेकिन अन्ना ने चुप्पी लगा ली है ताकि केजरी उनका केजरी कांड करता रहे। तो ये कांड केजरी कांड है या अन्ना कांड, देश के लिए यह एक अबुझ पहेली है। बहुत बहुत धन्यवाद।